सभी छात्रों का स्वागत है। आज कक्षा 12 वेदोच्चालन का पार्ट 8 भाग 8 हम लेके आए हैं और बहुत अच्छा है ये। इससे पहले न्यूमेरिकल के 2 वीडियो हम और दे चुके हैं, पार्ट 6 और पार्ट 7। 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 पार्ट जो दिए थे वो थ्योरी के थे, उसके बाद न्यूमेरिकल के शुरू हो गए हैं। तो आज इसमें पार्ट 8 है और पार्ट 8 में सबसे अच्छा ये है कि पर्पस वाले न्यूमेरिकल हैं। ये बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत आसान होते हैं। पर्पस वाले न्यूमेरिकल हमने इससे पहले संधारित्र वाले कराए थे, अब आ गए प्रतिरोध वाले। संधारित्र में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बताया था, आज प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बताएंगे। कैसे पहचानते हैं कौन श्रेणी क्रम है कौन समांतर क्रम है? यदि समान धारा तो श्रेणी क्रम, धारा समान हो यानी ऐसे प्रतिरोध जिनमें धारा समान हो तो क्या लगाएंगे? श्रेणी क्रम। और जिसमें धारा असमान हो यानी धारा भिन्न भिन्न हो वो समांतर क्रम। केवल हमें ये पता चल जाए कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, यानी कौन कौन से ऐसे प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में कौन श्रेणी क्रम में। तो ये क्वेश्चन लगाना बहुत ही इजी होते हैं और बहुत जल्दी आंसर आते हैं। अब देखिए हम शुरू करते हैं और हमने देखो एक क्वेश्चन तो ये लिया है, ये देखिए दूसरे क्वेश्चन में 2 भाग हैं। एक भाग एक है निम्न पर्पतों, लिखा है निम्न पर्पतों। तो देखिए पर्पत एक यानी एक तो ये पर्पत है ए और दूसरा ये है बी, यहाँ हमने लिख दिया ए और बी। और देखिए 1, 2, 3 इसमें भी 2 क्वेश्चन है, बिंदुओं ए व बी के बीच और फिर किसके बीच है, बिंदुओं ए व सी के बीच, यानी एक प्रकार से 5 क्वेश्चन है ये। ये हम अभी सॉल्व कराएंगे। देखो शुरू करते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न पर्पथ में यदि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो तो कैपिटल आर का मान ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि जो धारा बिंदु ए से प्रवाहित होगी वो धारा बी पे पहुंचेगी, लेकिन ए पर आते ही यहाँ 3 रास्ते मिल गए, कुछ 4 ओम में, कुछ इस आर में, कुछ इस 12 में, इनमें धारा गई। तो ये जो 3 प्रतिरोध लगे हैं ये तीनों प्रतिरोध ऐसे हैं कि समांतर क्रम में है। क्यों समांतर क्रम में? क्योंकि तीनों में धारा अलग अलग है, तो इनके बीच हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? समांतर क्रम का। देखो यानी चाहो तो इनके नाम भी आप लिख सकते हो, नाम लिख दूं मैं? देखो नाम का इधर लिख देते हैं भाई, R1 R2 और R3, यानी आप लिखेंगे R1 व R2 व R3। मैं लिख देता हूं यहाँ R1 क्वेश्चन 1 यानी R1 R2 व R3 कैसे क्रम में? समांतर, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, संधारित्र वाले में हम लिखते थे तुल्य धारिता, यह लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम का सूत्र ये होता है R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध इसमें दे रखा है, लिखा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो, 2 ओम का मतलब ये दे रखा है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, 2 बराबर 1/R1 देखो क्या है 4, 1/R2 देखो क्या है R, और 1/R3 क्या है 12 ओम, यानी 12। ये नाम ये आवश्यक नहीं है कि हम ऐसे ही लिखें, R1 R2 R3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नामांकित करना है अपनी तरफ से, जो जैसे लिख दो वही वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। अच्छा अब देखो इसको अगर सॉल्व करें तो ये जो है प्लस वाले इधर आके माइनस के हो जाएंगे, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4 -1/12 =1/R। इसको ऐसे भी लिख दो चाहे 1/R बराबर, अब एलसीएम ले लो कितना आएगा 12। देखो 2 से इसको भाग करते हैं, 2 × 6 = 12 और 6 से इसकी गुणा भी करते हैं, 6 × 6 = 4, 3 = 12,
तीन से इनकी गुणा और ये वाला साइन यहाँ आ जाता है, ये तो क्या आ जाएगा, तीन बारह एक है ना, बारह, ये वाला साइन ये आ गया, तो एक, एक से एक की गुणा, यानी जो बार जाता है उससे इसकी गुणा करते हैं, जानते ही हो ये तो। अच्छा देखो फिर आ गए, ये देखो क्या है, छः में से ये माइनस माइनस कितने हो गए, चार, यानी छः में से हमें चार घटाने हैं। देखो वन अपॉन आर बराबर कितना बचा, दो बटा बारह, इसको हल कर लो, तो अब दोनों को उलट दो, आर बराबर सिक्स हो, ये आंसर आ गया। इस टाइप से हल करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है, यानी हमने देखा और हमारे समझ में आ गया कि समांतर क्रम है। क्यों समझ में आ गया, क्योंकि तीनों प्रतिरोध ऐसे हैं जिसमें धारा भिन्न भिन्न है, यहाँ से धारा बट गई है, तो समांतर क्रम का हमने फार्मूला लगा दिया, उत्तर आ गया। बहुत सरल क्वेश्चन, दो नंबर का आएगा, हमें दो मिनट भी नहीं लगेंगे हल करते हुए, पूरे दो नंबर मिलेंगे, न्यूमेरिकल लगाने से नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया, तो अब हम देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको उतार लेंगे और इसको रफ करके अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, यहीं पर इसको बिगाड़ देते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न परपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी हमने दो परपथ बनाए, एक ये और एक ये, ऊपर वाले में क्या था, उसमें धारा का मान नहीं दिया था, तुल्य प्रतिरोध आपने निकाल लिया था, इसमें ये धारा भी दे रखी है, तो सूत्र होता है ना बी बराबर आई आर, तो आई तो हमें मालूम है, आर हम और निकाल लें, आर का मतलब हम तुल्य प्रतिरोध और निकाल लें, तो हमें विभवांतर पता चल जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जैसे अभी हमने कहा था कि परपथ का नाम लिख, जैसे सबसे पहले उतारो, यहाँ पर मैं इसको यहाँ उतारता हूँ, ए क्वेश्चन टू, ए उतार लेता हूँ, देखो ए ये उतार दिया और ये उतार दिया, ये देखो आगे देखो क्या है, यानी यहां तो है ए, यहाँ पर है ए और यहाँ क्या है बी, और देखो इनका क्या है 3.6 ओम, 4 ओम, और ये कितना दे रखा है 6 ओम, और ये धारा कितनी बह रही है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। सबसे पहले तो जो बुक में दिया होता है क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर इसका नामांकन यानी नाम अपनी तरफ से लिख लेते हैं, जैसे इसका हमने लिख लिया R1, R2 और R3। अब तुल्य प्रतिरोध निकालना है, सबसे पहले ये देखो कि धारा ए से जाएगी बी पर प्रवाहित होगी, यानी बी पर निकलेगी, ए से प्रवाहित होगी और बी से धारा निकलेगी, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही है, कहाँ जा रही है, ए से प्रवाहित होकर बी पर पहुँच रही है। तो जब ए से धारा इस बिंदु पर आएगी तो यहाँ दो भागों में बट जाएगी, यानी 6 ओम और 4 ओम ऐसे प्रतिरोध हैं जिसमें धारा अलग अलग है, तो ये बहुत अच्छा है, ये दोनों हम समझ गए कि ये अलग अलग है, तो इसका मतलब ये समांतर क्रम है, तो यहाँ लगा दो, यानी R1 व R2 समांतर क्रम में हैं, अतः इनके बीच क्या लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। देखो अगर दो दे रखे हों समांतर क्रम में, तो इसका एक शॉर्टकट सूत्र हमने बताया था, ऊपर गुणनफल और नीचे योगफल, R1 + R2, ये R1 + R2 गुणनफल किसका, R1 R2 का, यानी 6 × 4 और 6 + 4, इससे हमें आसानी हो जाती है, एलसीएम नहीं लेना पड़ता है इस सूत्र लगाने से, वही है 1/R 1/R = 1/R1 + 1/R2, उसको सॉल्व करके लिख दिया है। देखो 6 × 24/10, इसको अगर 10 से भाग देंगे तो 2.4 ओम आ जाएगा। अब हमने इन दोनों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध बना दिया जिसका तुल, एक ऐसा प्रतिरोध आ गया जिसका मान कितना आया है 2.4 ओम, यानी चित्र को यद बनाना चाहें तो देखो हम बना देते हैं भाई ए, और यहाँ क्या है 2 एम्पियर, ना बनाए तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ हम चूंकि आपको बना देते हैं, देखो यहाँ तो बी है, ये क्या था 3.6 ओम, और इन दोनों के स्थान पर ये आ गया 2.4 ओम,
और इसका नाम क्या है आर थ्री, इसका नाम क्या आया आर डैश। अब देखो धारा ए से जा रही है और बी पर पहुंच रही है, धारा ए से जा रही है बी पर पहुंच रही है तो इसमें कोई और रास्ता तो है नहीं, धारा ये सीधे जा रही है तो इसका मतलब जो करंट इसमें वही इसमें है, समान धारा है, और समान धारा है तो क्या सूत्र लगाएंगे श्रेणी क्रम का, यानी हम लिखेंगे आर डैश बा, इसका नाम क्या है आर थ्री श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ये, यानी आर डबल डैश बराबर आर डैश प्लस आर थ्री, सूत्र लगा दिया श्रेणी क्रम का, देखो 2.4 प्लस 3.6 इसको सॉल्व करेंगे 3 2 5 यानी हमने डायरेक्ट दिया 6, ये आ जाएगा 6 आ गया। अब सूत्र लगा दो किसका, विभवांतर का, तो विभवांतर ऐसे लिख दो बी ए बी, बी ए बी का मतलब समझते हो ए बी के बीच विभवांतर, और सूत्र लगा दिया बी ए बी बराबर आई आर, और आर की जगह जानते हो क्या लगाएंगे आर डबल डैश, यानी तुल्य प्रतिरोध 6, देखो आई का मान कितना है 2 और ये कितना है 6 बराबर 12, यानी बी ए बी बराबर आ गया 12 वोल्ट, सॉल्व हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितने जल्दी हल हो गया, कितना आसान है। ये दोनों कैसे क्रम में, समांतर में, क्यों है, क्योंकि इसमें धारा अलग अलग है, और इन दोनों को सॉल्व हमने किया समांतर क्रम का फार्मूला लगाया तो कितना आ गया 2.4। फिर इस चित्र को ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध आ गया जिसका मान 2.4 है और ये 3.6, फिर ये कैसे क्रम में होगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दिया, श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाता है, सूत्र लगा दिया और देखो बी बराबर आई आर आ गया आंसर, हो गया। देखो दो हल हो गए, अब इसको हम फिर रफ कर देते हैं, उतार लेंगे आप लोग, अगले पे बढ़ते हैं, और सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बहुत आसान होते हैं यदि स्टूडेंट ने थ्योरी को तैयार कर लिया है, उसने सभी डेरिवेशन करे हैं, उसे फार्मूले आते हैं, तो वो कोई न्यूमेरिकल उसको दे दो तुरंत लगा देगा बच्चा। अब देखिए हम बी वाले चित्र पे चलते हैं, बी वाला सबसे पहले क्या करते हैं बुक से चित्र उतारते हैं भाई, तो इसको हम उतार लेते हैं, यहाँ देखिए ये देखो यहां से दो रास्ते हो गए हैं अभी, ये बी और यहां पर कितना है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी, और यहाँ देखो कितना है 2.5 ओम, देखते जाना 3 ओम, यहाँ देखो 6 ओम, यहाँ देखो 6 ओम। अब हमने चित्र तो बना लिया, अब देखिए अगर धारा दिखाना चाहो धारा भी दिखा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ये देखो ये यानी करंट ए से प्रवाहित होगी और बी पर पहुँचेगी, कैसे सॉल्व करते हैं यानी श्रेणी क्रम समांतर क्रम पहचानते हैं। देखो ए से जो धारा प्रवाहित हुई, इस चित्र को चाहो तो ये ए थोड़ा ऊपर सही नहीं लग रहा है, इसको यहाँ बना देते हैं, ये यहाँ थोड़ा सा सही है, और यहाँ कितना था 2 एम्पियर और यहाँ था ए, सब जगह सही है, ऊपर भी सही था नीचे थोड़ा देखने में जो है सीधा आ गया, इसलिए देखने में सही लग रहा है इसलिए नीचे कर दिया। अब देखो 6 ओम और 6 ओम, एंड नाम लिखे, सबसे पहले नाम लिख लो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसका नाम आर वन, इसका आर टू, इसका आर थ्री, इसका आर फोर। अब देखो आर वन और आर टू कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, तो आप लिखेंगे आर वन व आर टू के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया आर वन व आर टू के बीच तुल्य प्रतिरोध, आप वैसे अभी इससे पहले क्या हम लिखा रहे थे कि आर वन व आर टू समांतर क्रम में है,
अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कम लिखना पड़ता है, आर वन आर टू के बीच तुल्य प्रतिरोध, समांतर खंड का सूत्र लगा दिया, आर डैश बराबर गुणनफल और बटा योगफल, ये सूत्र होता है। वैल्यू देखो, आर वन कितना है 6, यहाँ कितना है 6 + 6 कितना आएगा 36/12 और आर डैश बराबर आ गया 3 × 12 = 36। ये जो 3 ओम आया और ये 3 ओम यहाँ एक आ गया, इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध आ गया जिसका मान कितना है 3 ओम, यानी आर डैश आ गया, यानी 3 ओम आ गया, ये 3 ओम और ये 3 ओम समांतर क्रम में डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी ये क्या आर थ्री व आर डैश के बीच तुल्य प्रतिरोध। वैसे आप लिखते हैं, इससे पहले जो हम बता रहे थे कि आर थ्री व आर डैश समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, ऐसे लिख सकते थे, और ये लिख दो तब भी ठीक है। देखो आर डैश तक तो निकाल दिया, आर डबल डैश क्या होता है गुणनफल और बटा योगफल, सबसे पहले तो फार्मूला। अब वैल्यू देखो, आर डैश 3, आर थ्री देखो 3, 3 + 3 ऊपर ये गुणा है, इसको देखो हल करें तो यही लिखना है 9/6, 3 से काट दो, 3 से काटोगे, अब देखो काटोगे तो कितना आएगा 1.5। ये जो आया 1.5, ये तो बनाना चाहूँ तो ये बना देता हूँ मैं, सही रहेगा आप लोगों की जानकारी के लिए, ज़्यादा आपके क्लियर होगा। यहाँ पर है 2.5 ओम, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक नया मान आ गया, कितना आया 1.5 ओम, और यहाँ से ये बिंदु ए है और ये बी है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब जो चित्र अगर बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। अब देखो कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सबसे पहले तो नाम भाई जरूर लिख लो, इसका नाम क्या है आर डबल डैश और इसका नाम क्या था आपने लिख रखा है पहले, देखो आर फोर, अब क्या लिखोगे आर डबल डैश व आर फोर के बीच तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों के बीच देखो क्या सूत्र लगा दें, सूत्र क्या लगा दें श्रेणी क्रम का, तो आर ट्रिपल डैश बराबर आर डबल डैश प्लस आर फोर कितना आएगा 1.5 + 2.5 = 4 ओम, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है विभवांतर, तो बी बराबर बी ए बी बराबर आई आर ट्रिपल डैश, बी बराबर आई आर होता है, आई कितना है 2, आर कितना है 4, बराबर ही लिख देता हूं मैं बी ए बी ए बी बराबर 8 वोल्ट, ये उत्तर आ गया 8 वोल्ट। कैसे हल किया देखो, कैसे क्रम में थे समांतर, 6-6 समांतर में होते हैं तो उत्तर आता है 3, एक जैसे ये होते हैं जैसे 6 × 36/12 तो 3 आ गया, 3 और 3 समांतर क्रम में थे तो आया 1.5, यानी 1.5, 1.5 और 2.5 श्रेणी क्रम में थे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम, फिर बी बराबर आई आर, आई 2 है आर 4 आया, 2 × 4 = 8 वोल्ट आंसर आ गया, हल हो गया। यानी अब तक हमने 3 क्वेश्चन करा दिए, 1, 2, 3, अब हम इस पे चलते हैं, तो ठीक है इसको हम रफ करते हैं। देखिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, बनाओ बनाइए, ये बनाया, यहाँ बना देते हैं, जो बुक में दे रखा होता है उसकी सबसे पहले नकल करके अपनी कॉपी पे लिखते हैं। ये देखो ए बी सी और डी और यहाँ पर एक और है ये देखो हमने बना दिया, अब इनके नाम लिख लो,
यहां देखो कितना लिखे वन ओम, यहां कितना लिखे टू ओम, यहां थ्री ओम, यहां देखो टू ओम और यहां देखो वन ओम। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्या कहा गया है, यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए ए व बी के बीच। तो देखो इसको ऐसे बना लेते हैं, इसका मतलब समझे कि करंट यहां से ए से प्रवाहित हो रही है और कहां जा रही है बी पर, जो ए पर आएगी उसको तीन रास्ते मिल गए। देखो कुछ तो इधर सीधी चली गई, कुछ इस तीनों में चली गई, कुछ ऊपर चली गई। जो करंट जैसे मान लो ऐसे गई, सपोज बना ना बनाओ तब भी कोई बात नहीं, बना दो तब भी ठीक है, जो करंट ऊपर गई वो ऐसे होती हुई यही तो आएगी। तो ये दोनों ऐसे प्रतिरोध हो गए जिसमें समान धारा है, क्योंकि धारा को ए से जाके बी पे जाना है, तो जो ऊपर चली गई वो ऐसे आएगी, तब तो ऐसे आएगी। तो ये दोनों दो ओम और एक ओम कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम, यही पहचानना होता है। अगर स्टूडेंट ने ये पहचान लिया कौन श्रेणी क्रम है कौन समांतर, तो कैसा भी जटिल प्रपत्र हो आपका आंसर आएगा और सही आएगा। तो मैं इसके सबसे पहले नाम लिख देता हूँ, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, और इसका नाम मैंने लिख दिया आर फाइव, यहाँ लिख देता हूँ ठीक, ये फोर है। अब देखो क्या लिखें, R1 R2 कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, यानी हम लिखेंगे R1 व R2 के बीच तुल्य प्रतिरोध। वैसे हमने कहा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 व R2 श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो R डैश R1 प्लस R2, हल करो भाई, R1 कितना है दो और एक बराबर कितना आ गया तीन। अब ये जो तीनों आया और ये तीनों कैसे क्रम में, समांतर में, क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो धारा है वो इधर कुछ जा रही है इधर कुछ जा रही है, इन इनमें लग गई इसमें लग गई, तो इन दोनों के स्थान पर कितना आ गया तीनों, यानी आप लिखेंगे R डैश व R3, R3 के बीच तुल्य प्रतिरोध। और ये कैसे क्रम में, समांतर में, क्यों है, क्योंकि इनमें धाराएं अलग अलग हैं समान धारा नहीं है। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल। गुणनफल किसका, देखो तीन गुणा तीन, आर डैस का मान तीन और आर थ्री का तीन, इधर तीन प्लस तीन नौ बटा छः। इसको हल करते हैं तो आपको पता है ये 1.5 आता है, 1.5 ये तो सॉल्व हो गया, काट दिया हमने तीन बटा दो, काट लो ये देखो अब जी तो हल हो गया। इन तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध आ गया यहां पर, इसका मान अब बना दें, देखो बना देते हैं, ये देखो ए ये ए तो यही रहा, ये बी यही रहा, ये टू ओम तो ऐसा ही, इनके स्थान पर एक नया नाम आ गया और इसका मान है 1.5 ओम और नाम इसका है आर डबल एस, और इसका नाम तो वही रहेगा अभी आर फाइव और वन ओम। अब देखो इसका नाम क्या था, आर फोर। अब देखिए करंट ए से जाएगी बी पर पहुंचेगी, तो यहाँ पर क्या है, देखो जो ऐसे गई वो तो यहाँ आई, ये सी है, जो करंट ये गई वही तो आई, तो इसका मतलब इन दोनों में कैसी धारा है, समान धारा, और समान धारा है तो कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, यानी आप लिखेंगे R डबल डैश व R फाइव श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध समान श्रेणी। वैसे तो ऐसे ही लिख रहे थे जब, ये एक एक ही जैसा लिख लो है ये भी ठीक, लिखा रहे हैं तो चाहे, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। वैसे हम ये कहना चाह रहे थे आप लिख देते R डबल डैश व R फाइव के बीच तुल्य प्रतिरोध, ऐसे लिख देते, लेकिन हमने इस टाइप से लिख दिया तब भी सही है। देखो क्या करें, श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दें, R ट्रिपल डैश R डबल डैश प्लस R फाइव, डबल डैश कितना है देखो हल करा तुमने 1.5,
और फाइव कितना है देखो, ये वन जोड़ोगे तो जानते हो कितना आएगा, 2.5 ओम। ये जो 2.5 आया और ये 2 ओम कैसे क्रम में, समांतर क्रम में, यानी आप लिखोगे आर ट्रिपल डैश ब आर, क्या नाम है इसका, 4, समांतर क्रम में है। इसी टाइप से लिख देते हैं, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखो समांतर क्रम का फिर भाई गुणनफल, आर थ्री तक निकाल लिया तो आर फोर, गुणनफल बटा योगफल, गुणनफल बटा योग, गुणनफल किस किस का, 2.5 और ये आर फोर का मान कितना है, 2, 2.5 प्लस 2, इसको हल करो तो ऊपर तो आएगा 5 और नीचे आएगा 4.5। इसको हल करें यदि हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 बटा 45, 5 से काट दो, आर फोर 5 से काटोगे तो 10/9 ओम, ये आ गया 10/9 ओम, सॉल्व हो गया। यानी क्या किया आपने, एक बार फिर समझो, ए से बी की, यानी आपको ए भी निकालना था, तो ए से धारा प्रवाहित हुई बी पर पहुंचेगी, तो जो करंट ए आई, तो ये दोनों कैसे क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। कितना हो जाएगा, एक और दो और एक 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम समांतर क्रम में है, गुणनफल बटा योगफल, तो इन दोनों को समांतर क्रम में लगाओगे तो कितना आएगा, 1.5, और 1.5 और ये 1, ऐसे धारा ऐसे जा रही है, तो ये 1 और 1.5 कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, तो 1.5 और 1 जोड़ोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 और 2 समांतर में होंगे, 2.5 और 2 समांतर में होंगे, 10/9 उत्तर आ जाएगा, सॉल्व हो गया, क्लियर हुआ। तो इसमें यही देखना है कौन श्रेणी क्रम है कौन समांतर क्रम, अगर ये न पहचान पाए तो सब गलत हो जाएगा। और आप अगर हमारे इससे पहले के दो वीडियो हैं, ये है अभी हम और बनाएंगे, अगर मन से देखोगे तो कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, श्योर सही होगा। अच्छा अब इसका एक ही हो पाया है अभी, तो ए बा बी के बीच, अभी दूसरा बचा हुआ है ए बा सी के बीच, तो अभी एक बचा हुआ है ए बा सी के बीच। देखिए अब फिर अब हम चित्र ऐसा करते हैं, बनाएंगे नहीं, इसी में इसके नामांकित कर देते हैं। देखो ये देखो ये समझ लो कि करंट ए से प्रवाहित होकर सी पर पहुंचनी है, तो देखो जो ए से प्रवाहित हुई वो इधर गई और इधर गई, जो करंट इसमें आ गई, जो धारा इसमें आ गई, वही तो यहाँ पहुंचेगी, तो ये दोनों और ये दोनों कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी श्रेणी। इधर देखो एक दो और एक कितना हो जाएगा, 3, दो और एक श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, 3, तो ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम समांतर क्रम में होंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना उत्तर आएगा जानते हो, 1 ओम, मौखिक आ गया। लेकिन फिर चलो हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखो ये गोले बनाने नहीं है, ये तो हमने खाली आपको समझाने के लिए बना दिए हैं, R1 R2 इसका नाम हमने लिख दिया, R3 R4 R4 इसका लिख दिया R5। अब देखो क्या लिखें, R1 व R2 यानी क्वेश्चन 3 और सेकंड, ऐसे करके लिखते हैं, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें सेकंड। अब देखो क्या लिखें, R1 व R2 कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में, या शॉर्ट कर लिख दो, R1 व R2 के बीच तुल्य प्रतिरोध, ऐसे लिख दो तुल्य प्रतिरोध। वैसे हम क्या बता रहे थे, आप लिखते श्रेणी क्रम में आता है इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, तब भी ठीक है, और श्रेणी क्रम का क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ा जाता है, तो 1 कितना है, 2+1 लिख दो, 3 ओम। अब इधर देख लो, R4 R5 R4 व R5 कैसे क्रम में, श्रेणी, ऐसे लिखो के बीच तुल्य प्रतिरोध, के बीच तो
बिल्कुल देखो आर डबल डैश आर फोर टू प्लस वन कितना आ जाएगा थ्री ओम। अब देखो ये थ्री ओम ये थ्री ओम ये थ्री ओम यानी नाम क्या लिखें आर डैश कॉमा आर डबल डैश बा बीच में क्या नाम है देखो आर थ्री आर थ्री के बीच तुल्य प्रतिरोध के बीच ये समांतर क्रम में आएंगे श्रेणी में नहीं के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे क्रम में समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का सूत्र आर ट्रिपल डैश आर डैश प्लस आर डबल डैश प्लस आर थ्री वैल्यू लगाओ वन प्लस वन प्लस वन ये तो तुम लोगों को बहुत आसानी निकल आया क्वेश्चन तीन बटा तीन इसको सॉल्व करोगे तो एक ओम कितना सरल था। देखो अभी इस क्वेश्चन को और दो प्रकार से कर सकते हैं कैसे फिर समझ लो इसमें तो खाली ए बा बी के बीच और ए बा सी के बीच पूछा गया है हम कहें ए बा डी के बीच निकालो किसके बीच निकाल लो ए बा डी के बीच तो देखो फिर ये ऐसे नहीं रहेगा ये ऐसे नहीं रहेगा ए बा डी के बीच तो फिर ये ऐसे बन जाएगा ऐसे और फिर जो ए से प्रभावित होगी वो डी पर पहुंचेगी तो देखो जो करंट ऐसे आएगी भाई तो ये आएगी तो ये फिर श्रेणी क्रम में होंगे फिर ये और ये समांतर क्रम में होंगे फिर ये वाला ये दोनों फिर श्रेणी क्रम में होंगे फिर इसके समांतर होंगे ऐसे हल करेंगे फिर समझ लो क्या बताया हमने अगर ए डी के बीच निकाला जाए तो दो और एक तीन ओम हो जाएगा श्रेणी क्रम में ना ये तीन ओम और ये तीन ओम समांतर क्रम में होकर फिर डेढ़ ओम हो जाएगा। अच्छा डेढ़ ओम और ये एक ओम फिर अगर हल करोगे डेढ़ और एक ढाई हो जाएगा और ढाई और ये दो समांतर में अगर जोड़ोगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा जो भी आया था। अच्छा अगर हम इसमें डी और सी के बीच निकालें डी सी के बीच निकालें तो फिर वैसा ही डी और सी यानी करंट डी से प्रवाहित हो रही है सी पे जा रही है तो देखो ऐसे आ रही है ऐसे यानी किसी प्रकार से इसको निकाला जा सकता है कई प्रकार से पूछ सकते हैं तो हमें यहाँ तो खैर दो ही प्रकार से पूछा गया है तो दो ही से मतलब है तो इन दो को मैं समझता हूँ आपके पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम अगले क्वेश्चन बताएंगे आपको।